हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेजा फाइंड आउट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप तो थंबनेल में देख ही चुके होंगे या फिर टाइटल में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ मोबाइल चलाने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को चलाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मोबाइल को सही तरीके से नहीं चलाने पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे फ़ोन लैगिंग, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, हैंगिंग प्रॉब्लम, स्क्रीनिंग प्रॉब्लम इत्यादि। ये सब 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ोन सही से नहीं चलाते हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और नंबर एक की बात कर लो, जिसमें आपको फ़ोन चलाने का सही तरीके में बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। नंबर एक बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व, अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को काफ़ी अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको जिस कंपनी का फ़ोन है उसी कंपनी के चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आप कंपनी के द्वारा दी गई सैमसंग के चार्जर से ही चार्ज करनी है, ताकि आपको कोई हीटिंग इशू ना हो। और सबसे ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फ़ोन के चार्जर में लगाकर इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको बैटरी डेथ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी, हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी उससे आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेवल से फ़ोन आपका हैंग कर रहा हो तो आप सबसे पहले आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट करें, उसके बाद फ़ोन में कोई भी फालतू के ऐप्स गेम्स को इंस्टॉल ना करें। और अगर कोई भी गेम्स अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गेम्स हो या एप्लीकेशन हो, जब भी आप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से करें या अपने फ़ोन के जो स्टोर होता है ऐप स्टोर उससे करें, किसी भी थर्ड पार्टी साइट पर इंस्टॉल नहीं करें, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र इत्यादि नॉन सोर्स परमिशन का ऐप गेम का इस्तेमाल नहीं करें। फालतू के ऐड, फोटोज़, इमेजेस को हमेशा डिलीट करें और आप एंटीवायरस बूस्टर ऐप को अपने फ़ोन में ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे आपके फ़ोन के केक को मतलब केक मेमोरी होता है उसको हमेशा डिलीट करता रहेगा और आपका फ़ोन स्मूथली वर्क करेगा। और आप किसी भी लॉन्चर का इस्तेमाल ना करें, लॉन्चर आपके फ़ोन को हाई डैमेज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम। फ़ोन चलाते वक्त हमें हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसका क्या करें। क्या आप जानते हैं कि रात को फ़ोन चलाने से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपकी रेटिना नष्ट हो जाना, आँखों की रोशनी चले जाना। इसके लिए आपको एक ब्लू लाइट ऐप का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी आँखों को सेफ रखेगा, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन आपकी आँखों तक पहुंचकर आपको नुकसान कर सकता है। आपको ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य लाइफ को किसी भी टेक्नोलॉजी के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। और अगर रात में फ़ोन चलाना हो तो ब्लू लाइट ऐप का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, अब हम लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि वीडियो क्लास में मैं बताने वाला था, जो आपको पहले नहीं बताया था। दोस्तों, आप अपने जो बातें अभी तक सुनी हैं, जो मोबाइल चलाने इस्तेमाल के लिए टिप्स को अगर आप अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप लाइट ब्लू फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट ब्लू फिल्टर ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोशिश करें कि आप रात में 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल ना करें, आपकी स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, फ़ोन चलाने का सबसे अच्छा तरीका यानी मेरी राय यह है कि फ़ोन एक टाइम टेबल बना लें, जिससे कि आपको दिन में 3 बार से ज़्यादा फ़ोन चलाने का टाइम फिक्स ना करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, फिर से लेकर आएंगे फ़ोन के बारे में नए अमेजिंग फैक्ट्स, जो आपको फ़ोन चलाने में यानी फ़ोन चलाने में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलेगा।
अब मिलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, फिर से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।